माय चैनल फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल गर्मियों के लिए स्पेशल डिज़ाइनर ड्रेस बताने जा रही हूँ। बहुत ही फटाफट से झटपट से बनकर रेडी होने वाली है ये ड्रेस और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक लिया है, ये 1 मीटर का ही फैब्रिक है और टोटल लेंथ जो रखनी है हमें वो 24 इंचेस रेडी रखनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें से, ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है ऑलरेडी, इसमें से 24 रेडी रखनी है। तो यहाँ से मैं 25 इंचेस कट कर लूँगी और इसे सेपरेट कर दूँगी, क्योंकि ये जो 25 इंचेस सेपरेट होने वाला है ये पार्ट एज इट इज़ हम लगाने वाले हैं। इसे हम और भी कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे इस पार्ट में, इसलिए जो 25 इंचेस का पार्ट हम कट कर रहे हैं इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसे कट करने के बाद बहुत ही कम फैब्रिक बचता है और उसी फैब्रिक में, जी हाँ फ्रेंड्स, उसी फैब्रिक में हम क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस। आप बस देखते जाइए। देखिए ये जो पार्ट है ये एज इट इज़ ऐसे ही लगने वाला है, यहाँ पर ये फ्रिल्स आ जाएंगी तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लग जाएगा। और अब है ये वाला हमारा पार्ट, इस पार्ट में से हम नेक कट करेंगे। जी हाँ, इसमें से नेक कट करेंगे और प्लस इसी में से हमें बेल्ट के लिए भी फैब्रिक रखना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा नेक कट करने के बाद वो हम बेल्ट के लिए रखेंगे। नेक कट करने के लिए यहाँ पर हम इसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, 4 फोल्ड फैब्रिक मैंने कर लिया है इसे। यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है उसे मेज़र करेंगे, यहाँ नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 2 इंचेस। 5 से 6 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों के लिए सफिशिएंट होता है 2 इंचेस। यहाँ पर मैंने इसे रख लिया है 2 इंचेस। देन फ्रंट और बैक दोनों नेक हमारा सेम बनने वाला है तो इसे यहाँ पर हम लगभग 2.5 इंचेस पर कट कर देंगे ऐसे, और ऐसा राउंड शेप में इसे हम मिला देंगे। और यहाँ से अगेन 2 इंचेस की डिस्टेंस पर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखें इस तरह से। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। देखिए यहाँ से 2 इंचेस, ये 2.5 इंचेस हमने नेक रखा है फ्रंट और बैक दोनों के लिए बोट नेक पैटर्न में, और फिर उसके बाद 2 इंचेस की गैप पे हमने एक और मार्क किया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए नीचे की साइड का कट कर लिया है और अब हम ये ऊपर की साइड का नेक कट कर लिया है। ये हमने कट कर लिया है, मैं अब ओपन करके दिखाती हूँ इसे। ये हमारा नेक होगा इस तरह से। अभी ये थोड़ा और डीप में जाएगा स्टिच होने के बाद, ये थोड़ा सा और डीप में जाएगा और साइड से फैल जाएगा। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों है, ये इस तरह से आएगा। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों है। इसके लिए अब यहाँ पर सेम कटिंग का हम लाइनिंग पार्ट कट कर लेंगे और इसके साथ ही रख कर स्टिच करेंगे, टर्न करके इसे सीधा कर लेंगे और देन उसके बाद ये हम दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर देंगे एज अ शोल्डर, ये दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा नेक यहाँ पर फिनिश्ड रेडी हो जाएगा। नेक रेडी होने के बाद ये जो पार्ट हमने कट किया था आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है, इस पर ये ट्री जैसे बहुत अच्छे से ट्री का पैटर्न बना हुआ है तो ड्रेस भी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है इसी फैब्रिक की हम यहाँ पर जब ये नेक की फिनिशिंग हम कर लेंगे तो इसी फैब्रिक की यहाँ नेक पर ही हम इस तरह से प्लिट्स डालेंगे, प्लिट्स डाल करके नेक
पर ही हम इस तरह से गैदर्ड कर लेंगे इसे। उसके बाद नीचे की फोल्डिंग कर लेंगे, फिनिशिंग कर लेंगे। ये ऑलरेडी मेरी फोल्डिंग है, अगर आपके नहीं हो तो आप यहाँ पर नीचे की साइड में डबल फोल्ड करके हाफ हाफ इंच का उसे आप स्टिच कर लेंगे। और देन ये जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है इसकी हम बनाएंगे वेस्ट बेल्ट। इसे बस सिंपली हम स्टिच करेंगे और टर्न कर देंगे तो ये वेस्ट बेल्ट बन जाएगी, जिससे यहाँ नेक पर तो हम इसे प्लेट्स डाल ही देंगे तो इस तरह से नेक पर ये सिक्योर हो जाएगा। और वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेस्ट बेल्ट हम जब इसे बांधेंगे तो ये इस तरह से इसका लुक आ जाएगा फ्रॉक का। तो अब चलिए फटाफट से मैं अब आपको स्टिचिंग शो करती हूँ, फिर ओवरऑल लुक आपको मैं दिखाऊँगी इस फ्रॉक का। तो चलिए अब मैं आपको नेक स्टिच करके बताती हूँ। नेक लाइन ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये है लाइनिंग वाला फैब्रिक जो हमने इसी के कटिंग से कट कर लिया है। इसे हम इस तरह से उल्टा रखेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर हमारे मेन फैब्रिक को, और दोनों ही साइड से हम इसमें हाफ हाफ इंच की स्टिचिंग ले लेंगे या बिल्कुल माइनर से स्टिचिंग ले लेंगे। आपको जितना चौड़ा ये नेक लाइन रखना हो शोल्डर, क्योंकि यही आपका शोल्डर होगा 2.5 इंचेस का, तो इसमें से आपको जितना भी चौड़ा ये रखना हो आप उतना चौड़ा कट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ा कट किया है, किड्स के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट होगा। और इसमें अब बिल्कुल माइनर सा मैं सिर्फ 1 फुट का गैप लेकर के इसे स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे एक साइड से ये मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसे मैं नीचे की साइड से भी स्टिच करूँगी, ये यहाँ से अगेन ओनली 1 फुट का जो स्टिचिंग फैब्रिक हमें लेना है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे यहाँ पर। ये देखिए मैंने ले लिया है। अब इसे एक साइड से हम बंद कर देंगे जिससे हम इसे टर्न कर सकें। जिस तरह से ये एक साइड का मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से मैं दूसरे साइड का भी बनाऊँगी। ये देखिए अब इसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट से, पेन पेंसिल किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत ही ईजिली ये टर्न हो जाएगा स्टिच करने के बाद में। ये इस तरह से देखिए एक साइड से ओपन था, इस साइड से ये टर्न हो जाएगा ऐसा। टर्न करने के बाद हम इसमें लगाएंगे टॉप स्टिच। इसे बहुत ही अच्छे से फैब्रिक को हम पहले फिंगर की हेल्प से हम नीटली स्ट्रेट कर लेंगे राउंड शेप में जिसमें ये कट था। अब यहाँ पर हम इसे टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए टॉप स्टिच चला के हमने इसे फिनिशिंग ले ली है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे और फिर उसके बाद दोनों का ये शोल्डर वाला पॉइंट जो है वो हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड के नेक बना करके और शोल्डर्स को जॉइंट करके पूरी फिनिशिंग दे दी है। फ्रंट और बैक से दोनों ही साइड से ये फिनिश हो गया है। अब हम इसमें जो नीचे का सीधा पार्ट हमने कट करके रखा था, अलग करके रखा था 25 इंचेस का, उसकी यहाँ पर हम प्लिट्स डालने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको प्लिट्स डाल के दिखाती हूँ। तो अब हम इसमें प्लेट्स डालने वाले हैं। प्लेट्स डालने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो फैब्रिक है जो हमने स्ट्रेट लिया है और जो नेक की साइड में हम ये वाला पार्ट जो है नेक की साइड में इसमें प्लेट्स डालेंगी, तो इस वाले पार्ट में हम आर्म होल की कटिंग करनी है। तो आर्म होल की कटिंग के लिए हम यहाँ पर सिर्फ 3 इंचेस का कट लेंगे, 3 इंचेस का हम कट लेंगे और इस साइड से हम सिर्फ 2 इंचेस का कट लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर 3 इंचेस मेज़र करेंगे और इस साइड में 2 इंचेस मेज़र करेंगे। एक अंदाज से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे आर्म होल के लिए कुछ इस तरह से।
ये देखें, इस तरह से आर्म होल के लिए हम यहाँ पर कट दे देंगे। और उसके बाद अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट्स में से हम बैक और फ्रंट में प्लेट्स क्रिएट करेंगे। मैं अब ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ओपन करने पे कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक आर्म होल की कटिंग है और एक आर्म होल की कटिंग है इस साइड में। तो ये जो सेंटर का पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो आर्म होल कट करने के बाद है, इस पार्ट्स की हम प्लेट्स डालने वाले हैं नेक लाइन पर। तो एक साइड में मैं आपको डालकर दिखाती हूँ और दूसरी साइड में फिर पूरा फिनिश करके, टोटल रेडी करके मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये हमारी नेक लाइन है और ये हमने एक साइड का पार्ट ले लिया है। नेक लाइन हमें इस तरह से रखनी है उल्टी, और ये पार्ट भी हम इस तरह से, ये वाला फैब्रिक भी जो हमारा है, इसे हम इस तरह से उल्टा ही रखेंगे। और इस साइड से शोल्डर यहाँ पर हमने जॉइंट किया है, शोल्डर से लगभग 2 इंचेस नीचे से हम ये प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। पूरे शोल्डर से नहीं डालेंगे, शोल्डर से 2 इंचेस नीचे से हम ये प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। मैं आपको फिर से मार्क करके बता दूं कितने पार्ट में हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। ये देखिए, ये शोल्डर वाला पार्ट है 2 इंचेस का। यहाँ पर हमने शोल्डर्स स्टिच किए हैं। अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ शोल्डर से लगभग 2 इंच नीचे से इस प्लेस से हमें प्लेट्स डालनी है और इस साइड भी लगभग 2 इंच नीचे से हमें प्लेट्स डालनी है। तो जो प्लेट्स हमें डालनी है वो हमें यहाँ से यहाँ के बीच में डालनी है। ये जो नीचे हमने मार्क किया ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में डालनी है। तो चलिए अब प्लेट्स डालते हैं। ऐसे ही प्लेट्स हम दूसरे साइड में भी डालने वाले हैं। ये हमने उल्टा रखा है फैब्रिक को और ये भी हमारा फैब्रिक उल्टा है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर इसे रखते हुए इस तरह से प्लेट्स डालेंगे, क्योंकि नेक लाइन की फिनिशिंग ऑलरेडी हमने कर दी है। सिर्फ 1/2 इंच की डिस्टेंस पर फैब्रिक स्टिच करना है हमें प्लेट्स के लिए। और यहाँ पर आप कोई सी भी प्लेट्स डाल सकते हैं, बॉक्स प्लेट्स डाल सकते हैं, नॉर्मल प्लेट्स डाल सकते हैं, या फिर नीडल और थ्रेड से आप रिंकल करके आप डायरेक्ट उसे स्टिच कर सकते हैं। किसी भी तरह से ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट होगा। यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ बॉक्स प्लेट। एक प्लेट मैं उस साइड करूँगी और एक प्लेट इस साइड। इसी तरह से बॉक्स प्लेट बनती है फ्रेंड्स। एक प्लेट उस साइड डायरेक्शन में होती है और एक प्लेट इस साइड के डायरेक्शन में होती है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये पूरा जितना भी फैब्रिक है, ये जो दूसरे साइड का आर्म होल का फैब्रिक है, जितना भी ये फैब्रिक है, ये पूरा हम इसी नेक लाइन में हमें एडजस्ट करना है। तो इसका हमें पूरा ध्यान रखना होगा कि प्लेट्स हमारी बहुत ज़्यादा पास ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा दूर ना हो जाएं, और हमारा जो फैब्रिक है पूरा वो सफिशिएंटली पूरे नेक लाइन में चारों तरफ बहुत ही अच्छे से आ जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी साइड में आपने प्लेट्स ज़्यादा कर दी हो और किसी साइड में प्लेट्स कम आ जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें फैब्रिक का ध्यान रखते हुए प्लेट्स क्रिएट करनी है। आप चाहें तो इस तरह की बॉक्स प्लेट नेक लाइन पर पहले बना लें और देन इसके बाद आप यहां पर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह की प्लेट्स डालते हुए हम पूरी नेक लाइन पर इसे लगा लेंगे। ये देखिए, हमने प्लेट्स डाल लिए हैं, सारे प्लेट्स इक्वली बहुत ही अच्छे से डल गए हैं। अब यहाँ पर हम डबल स्टिचिंग करने वाले हैं। ये जो स्टिचिंग हमने की है उससे 1/2 इंच ऊपर की साइड में हम स्टिचिंग करेंगे, जिससे जो हमारा 1/2 इंच का जो फैब्रिक हमने स्टिच किया है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाएगा और डबल स्टिचिंग भी हो जाएगी नेक लाइन पर। देखिए, इस तरह से जो स्टिचिंग हमने पहले की है उस स्टिचिंग से 1 फुट ऊपर आप ये जो प्रेशर फुट है हमारा मशीन का, उससे 1 लेग ऊपर की तरफ में स्टिचिंग करेंगे। इससे नेक लाइन में भी एक डिज़ाइनर लुक आएगा और स्टिचिंग भी हमारी पूरी पक्की हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
ये कुछ इस तरह से हमारी ये फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। अभी एक साइड से ये स्टिच्ड है और एक साइड से ओपन है, तो जिस साइड से ये ओपन है उस साइड से हम फिटिंग लगा देंगे। ऐसे उल्टा करेंगे और हाफ हाफ इंच का फैब्रिक पकड़ते हुए हम स्टिच कर देंगे। इसमें कोई भी फिटिंग नहीं लगानी क्योंकि वेस्ट बेल्ट हम लगाने वाले हैं। वेस्ट बेल्ट ऊपर से टाई होगा, इसमें हम फिक्स नहीं करेंगे उसे। और अगर वेस्ट बेल्ट को इंसर्ट करने के लिए आप स्ट्रिप लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर वेस्ट बेल्ट के लिए कोई स्ट्रिप नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट वेस्ट बेल्ट को ऊपर से टाई अप कर लेंगे। यहाँ पर आप फैब्रिक वेस्ट बेल्ट अगर ना भी बनाएं सेम कलर का, तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइनर वेस्ट बेल्ट अवेलेबल होते हैं किड्स के लिए, आप वो ले सकते हैं और उसे भी कमर पे आप टाई अप कर सकते हैं फ्रॉक के सेंटर में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा और डिज़ाइनर सा लुक क्रिएट हो जाएगा। ये हमने स्टिच कर दिया है, अब मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये बनकर रेडी हो गया है फ्रॉक। नेक लाइन से ही ये पूरा इस तरह से आएगा हमारा। जो ये प्लेट्स हमने डाली है, ये फ्रंट बैक किसी भी साइड से पहनाया जा सकता है, दोनों ही साइड से ये सेम होता है। अभी यहाँ पर वेस्ट में जब हम ये किड्स को पहनाएंगे और वेस्ट पर इस तरह से हम इसे टाइप कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से इस फ्रॉक का लुक आएगा। नीचे से ये फ्लैरी हो जाएगी और वेस्ट पर टाइप होगी और यहाँ से कुछ बलून सा लुक आएगा। तो इसका ओवरऑल लुक मैं वेस्ट बेल्ट के साथ अभी शो करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी किड्स फ्रॉक का आज की लेटेस्ट डिज़ाइनर किड्स फ्रॉक का ओनली 1 मीटर फैब्रिक में ब्यूटीफुल सा लुक। ये रहा वेस्ट बेल्ट जो हमने अलग से इसमें टाई अप किया है, आप देख सकते हैं ये अलग से हमने इसमें टाई अप कर दिया है और नीचे जा कर के इसका फ्लेयर पूरा इस तरह से आ जाएगा। आप देख सकते हैं नेक लाइन से लेकर के पूरा नीचे तक इसका लुक कितना ब्यूटीफुल सा आ रहा है। यहाँ वेस्ट में आप चाहे तो अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास कुछ इस तरह का फ्लावर हो तो आप उसे टक कर सकते हैं। ये हेयर क्लिप में आपको इस तरह की एक्सेसरीज मिल जाएंगी, तो इस तरह का फ्लावर आप लगा सकते हैं। आपके पास कोई जैसे कि अगर आप चाहें तो इस तरह की बटरफ्लाई वाली हेयर क्लिप्स लगा सकते हैं यहाँ सेंटर पे, और चाहे तो आप इस तरह की, देखिए ये एक हेयर क्लिप है बीड्स वाली, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और इसे भी उससे भी अच्छा ब्यूटीफुल सा ऑप्शन है इस तरह की डिज़ाइनर फैंसी है। आपके पास अगर ईयर रिंग्स हों तो आप इसमें इस तरह से हैंग कर सकते हैं ईयर रिंग्स को, तो इस तरह से ईयर रिंग्स हैंग करने के बाद इसका लुक कितना ब्यूटीफुल सा इस तरह से आ जाएगा। तो आप इस तरह की कोई से भी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। और ये फ्रॉक दोनों ही साइड से सेम लुक देने वाली है, फ्रंट या बैक आप किसी भी साइड से इसको वियर करा सकते हैं। और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और डिज़ाइनर बनाने के लिए आप नेक लाइन पर किसी भी तरह की लेस अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइनर फ्रॉक बनाने की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।